28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन अब पीएम मोदी ही करेंगे, तो उधर सियासी गलियारों में विपक्ष अभी भी एकजुट होकर बोल रहा है कि पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए। इसलिए कई विपक्षी दल एक बार उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नई संसद की क्या जरूरत थी, पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा तो बेकार थी। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था, आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा। इस पर महाराष्ट्र की सीएम ने पलटवार किया और कहा कि मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए विपक्ष विरोध कर रहा है। कोई ऐसे लोग हैं जिनको विघ्न लाना है, जानबूझकर मोदी जी के हर काम को विरोध करना है, लेकिन लोकशाही में ये देश की जनता पूरी समझदार है और वो ये जो पेट दर्द जिनको हो रहा है उनका इलाज जनता ही करेगी, क्योंकि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मोदी जी ने किया है, इसलिए वो सब डर गए। और ये कि मोदी सबको भारी, ऐसी बात हो गई है, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे और सब विरोध कर रहे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर विपक्ष और राष्ट्रपति का अपमान करने की बात कही। विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हो, नफरत से देखते हो दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें तो उनके समारोह में क्या जाना। तो वही बीजेपी ने एक बार फिर पूरे विपक्ष को समारोह में शामिल होने के लिए आग्रह किया है। मोदी जी का कार्यकाल है, देश की जनता ने उनको चुना है, बहुमत की सरकार से देश की जनता चाहती है कि मोदी जी के हाथों ही सारे शुभ कार्य हो। मैं सबसे वापस निवेदन करूंगा, आप लोग आए, नहीं तो आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे ये भी जान लीजिए। बता दें समारोहों में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से संतों का जत्था दिल्ली पहुंचा। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो समारोह के दौरान दिल्ली की कई रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा, साथ ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर होगी।